तो फर्स्ट पॉइंट जो कि बन झाकरी वाटरफॉल्स था वो कवर करने के बाद में अब हम रंका मॉनेस्ट्री की तरफ में जा रहे हैं। तो बन झाकरी वाटरफॉल्स तो वर्थ है आना, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को वहाँ पे, और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हैं, लोग इन्जॉय भी कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा है वहाँ पे जाना। अभी चलिए रंका मॉनेस्ट्री में देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। फ्रेंड्स हमारा जर्नी का सेकंड पॉइंट आज के डे का, इसको रंका मॉनेस्ट्री के नाम से बोलते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, इसका एंट्री पॉइंट है ये। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे इससे पहले दिखाया था वीडियो में, यहाँ पे बहुत सारे व्हील्स भी देखिए लगे हुए हैं।
लंका मोनेस्ट्री का मेन एंट्री पॉइंट। तो चलिए मेरे साथ अंदर देखते हैं इसमें किस टाइप की ये मोनेस्ट्री है, ये कैसा है इसका। अभी बाहर से तो काफ़ी ह्यूज स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है देखने में, और अंदर चल के देखते हैं। ये है मेन एंट्रेंस रंका मोनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री का ये मेन बिल्डिंग है जो मेरे पीछे में आप देख रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर में देखते हैं। बहुत ही सुंदर ये दिख रहा है बाहर से देखने में, आप देखिए कितना ह्यूज स्ट्रक्चर है ये, और दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे तो बाकी जो हाइट पर हैं वो तो दिखना बंद हो जाएगा। तो मेरे पीछे में आप देखिए ये है मेन कैंपस रंका मोनेस्ट्री का। तो रंका मोनेस्ट्री को मैंने इधर में एक थे उनसे पूछा, तो रंका बेसिकली शायद उसमें जी है, RANG, और इंटरनेट पे आप जब इसको सर्च करेंगे तो लिंगडम मोनेस्ट्री के नाम से आ रहा है ये। तो रंका मोनेस्ट्री इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, और बहुत ही बहुत अच्छा है अंदर में, इतना पीस इन्वायरमेंट है, और उसमें आप मतलब जो मेडिटेशन का जो एक्चुअल फीलिंग है वो अंदर में आप जब बैठेंगे कुछ देर तक तो आपको ऑटोमेटिकली वो मेडिटेशन का यहाँ पे वो मज़ा मिलेगा और एक शांति एहसास होगा। तो बहुत ही सुंदर कैंपस है, बहुत अच्छा है ये एक जगह है। अंदर की रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए उसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ अंदर, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और जैसा मैंने फ़र्स्ट प्लेस के बारे में बताया था जो फॉल्स था, उसी तरह से ये वाला प्लेस भी वर्थ है ना। तो रंका मोनेस्ट्री या इंटरनेट पे लिंगडम मोनेस्ट्री के नाम से इसको लिखा हुआ है, वो काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। भाई ये जो आप पीछे में जो
इस बिल्डिंग के जो पीछे में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाले बिल्डिंग भी इनकी मोनेस्ट्री का ही एक पार्ट है। वो कोई यूनिवर्सिटी है, वो इनकी यूनिवर्सिटी है, तो पीछे में वो भी है। स्ट्रक्चर इतने सुंदर हैं इनके, आप देखिए स्ट्रक्चर देख के ही इतना सुंदर लग रहा है। तो ये जो है, आप जो इनका जो आउटर जो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्चर, आप किसी भी मॉनेस्ट्री में जाएंगे तो आपको कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ इस टाइप के ही मिलेंगी। तो एक पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट पे शायद है इनका ये। तो आप जब देखेंगे इसमें तो आपको बाहर आउटर जो है वो मॉनेस्ट्री का लगभग आपको सेम ही मिलेगा, हर एक मॉनेस्ट्री का। वो बहुत सुंदर कैंपस है। और इधर में देखिए ये लोग भी पूरे काम में लगे हुए हैं, कितना लंबा कैंपस है। आप देखिए वहाँ से, उस जगह से आप एंट्री करेंगे, फिर इधर से ऐसे चलते हुए यहाँ से ये वाला आपका मेन मॉनेस्ट्री। तो नेचुरल ब्यूटी के बीच में ये मॉनेस्ट्री, आसपास पूरे पहाड़, और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हुई है, तो शायद कुछ देर में बारिश भी होगी। पीछे में भी देखिए पूरे बड़े बड़े पहाड़, पेड़ सब हैं।
चलिए फ्रेंड्स, फिर अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है और उसको फिर मैं कवर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो ओके फ्रेंड्स।